कल शाम में जो मेरी विधानसभा है गोशामहल, वहां पर एक जिम्मेदार चौरस्ता है, वहां पर वीरांगना रानी अवंतीबाई जो 1857 में जिन्होंने ब्रिटिश यानी अंग्रेजों से लोहा लिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया देश की आजादी के लिए, ऐसी महान वीरांगना की प्रतिमा 2009 में जिम्मेदार चौरस्ते पर बिठाई गई थी और दो बार उस मूर्ति को चेंज किया गया 10 साल में। तो कल रात को भी वो मूर्ति जब चेंज करने के लिए गए थे हम लोग, तो लोकल पुलिस दो ACP अचानक आकर हमारे ऊपर हमला करे और पूछने लगे कि आप ये मूर्ति क्यों बिठा रहे। तो हमने कहा, अच्छे से समझाया उनको कि ये मूर्ति नहीं है, 2009 में ये मूर्ति की स्थापना हुई थी और हर 5 साल को ये मूर्ति चेंज करते हैं, बरसात में, पानी में, धूप में ये मूर्ति फट जाती है, इसलिए हर 5 साल में एक बार मूर्ति चेंज करते हैं। हमने बहुत एक्सप्लेन किया ऑफिसर्स को, नहीं माना, डायरेक्टली कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, मेरे ऊपर लाठी मारे। अरे भाई, देश को आजादी दिला ऐसी महान रानी है रानी अवंतीबाई, और आज तुम लोग बोलते कि उनकी मूर्ति नहीं बिठाना, तो किसकी मूर्ति बिठाना? और आज एक विधायक के ऊपर आप लाठी मारते हो तो आम जनता की क्या आप सुरक्षा करते हो? इससे पहले भी अंबरपेट इश्यू में भी कमिश्नर ने किस प्रकार से मेरे ऊपर बात किया था, किस तरह का लैंग्वेज उपयोग किया था, ये सारी दुनिया ने देखा है। और ये आप एक वीडियो रिलीज करते कि मैंने पत्थर से मार लिया। अरे कमिश्नर साहब, मैंने पत्थर तब उठाया जब आपके पुलिस वाले मेरे ऊपर लाठी मारे थे। मैंने कहा कि लाठी मत मारो, ये लो पत्थर और खत्म कर दो राजा सिंह को, ये मैंने आपके ऑफिसर को कहा और मैंने पत्थर दिया था, खत्म कर दो राजा सिंह को, तुम्हारा टारगेट है राजा सिंह को खत्म करना, मैं रेडी हूं मेरे देश के लिए मरने के लिए, मैंने वो कहा था। अरे कमिश्नर साहब, अगर दम है आप में तो जो राजा सिंह के ऊपर जो तुम्हारी पुलिस लाठी मार रही थी वो वीडियो रिलीज करो। कमिश्नर साहब, वो वीडियो रिलीज करो जो हमारे कार्यकर्ताओं को, कुत्तों को ऐसा आपकी पुलिस लाठी मार रही थी, अगर दम है तो वो वीडियो रिलीज।